हजारों लोग एंकर्स हैं, लेकिन कई ऐसे एंकर एक या दो हैं जो बाय चांस बने हैं, जो उनकी वीडियो वायरल हो गई, उनको टीवी टैलेंट आया और वो उन्होंने भी अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, यस, और स्ट्रगल की, वो फिर एंकर बन गए। एग्जैक्टली। अब इसी तरह कोई भी लोग हो, अब किसी भी फील्ड के अंदर हो, लक कभी कभी किसी बंदे का लगता है, हर कोई मेहनत करता है, बिल्कुल, तो आपको जो भी फील्ड है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक, हम और आप विद PNY सीरीज़ के साथ एक न्यू एपिसोड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। आज भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम सब के लिए लर्निंग है अगर हम उसमें से कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड है, यंगर जनरेशन है, उनका दौर ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ा जो एक मैं कहूँगी परसेंटेज है वो हमारे यंगस्टर्स का है। तो हमारे यंगस्टर्स फील्ड में आना चाहते हैं, डिग्री के बाद बिज़नेस करना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन का दौर है, हमें मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किस तरह से अपने बिज़नेस को एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अपने बिज़नेस को सस्टेन नहीं कर पाते और फेलियर का शिकार होते हैं, और क्या चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम मद्देनज़र रखें और कंसिस्टेंट लेकर चलें तो हम अपने बिज़नेस को ज़ीरो से हीरो का सफ़र एक तय कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। अदील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं प्रिंटिंग PK.PK के। तो हम इनसे जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी भी, और इनसे जानेंगे आपके लिए भी कुछ ऐसी टिप्स और स्ट्रेटजीज जो आप सबको आपकी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अभी मैं बात कर रही थी, आपने ये जो एक printing.pk हब बनाया है, ये स्टोरी शुरू कहाँ से? एक तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएँ। एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट हुई है, मेरा कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, गवर्नमेंट चेंज हुई, उसमें डाउनफॉल हुआ, काफ़ी लॉस हुआ। एग्जैक्टली। उसके बाद से काम करने के लिए नहीं था। एक मेरे जानने वाले हैं, छोटे भाई का फ्रेंड है, उसने कहा जी मुझे कंपनी के लिए मक्स चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि हम बाहर से बनवा के देने की बजाय खुद स्टार्ट करते हैं। हाँ। उन्हें सैंपल दिया हमने, मेरे पास एक DSLR कैमरा था, वो सेल करके हमने एक प्रिंटर और सिर्फ मग प्रिंट करने वाली मशीन ली थी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया इस चीज़ को, और एक कमरे से हमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। वेरी नाइस। और हम 1.5 साल तक उसी कमरे से ऑपरेट करते रहे हैं अपने इस प्रिंटिंग PK को। हमने मग की मशीन लगाई और सिस्टम स्टार्ट किया। अब जब लगा लिया तो जिसके लिए सैंपल दिया था उसने ऑर्डर नहीं दिया। अब प्रिंटर भी था, मशीन भी थी, तो हमने सोचा हम करें क्या। तो फिर हमने इसे स्टडी किया कि हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम अभी एक दुकान लें, वहाँ पे बैठें। तो हमने इसे ऑनलाइन स्टार्ट किया। अब शुरू में ऑनलाइन का लोगों का इतना रुझान नहीं था। बिल्कुल। अभी है, लेकिन अभी सेंस नहीं है लोगों की बाय करने की, तो इतना रुझान नहीं था लोगों का ऑनलाइन के अंदर परचेज करने का। तो हम लोगों ने साथ में स्टॉलिंग भी की। ठीक है। लाइक हमने एक्सपो सेंटर में स्टॉल शेयर करके स्टॉल लिया, वहाँ पे प्रिंटिंग PK की प्रोडक्ट रखनी शुरू की, लोगों को बताया कि हम अच्छी चीज़ देते हैं, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, आप हमसे ही परचेज क्यों करें। फिर हमने स्कूल कॉलेज में इवेंट होते हैं वहाँ पर स्टॉलिंग की। हमने इसी दौरान के अंदर, चूँकि हम चाह रहे थे किसी भी तरीके का बिज़नेस ग्रो करें, तो हमने इसके साथ साथ चाय का स्टॉल भी लगाया। अब लोग ये समझें कि आप ए क्लास कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर हैं पंजाब के अंदर, और आप यहाँ पे एक स्टॉल लगा के खुद बैठे हुए हैं। अब मेरे पास वाले साहब की गाड़ी थी दी हुई, तो सिविक पे हम जाते थे स्टॉल लगाने के लिए। लाइक मतलब आपको काम करने का करेज हो आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह प्रिंटिंग PK जो है वो स्टार्ट हुआ, तो printingpk.com जो है आज पूरी पाकिस्तान में लोग जानते हैं। माशाल्लाह, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा सर, ये बात है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। अब आपने कहा कि आपने अपना एक वो जो पैशन DSLR था उसको सेल करके अपने एक प्रिंटिंग मशीन ली ताकि आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें बहुत बड़ा एक्सपेंस चाहिए होता है कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? ये क्या रिक्वायरमेंट है जो बेसिक, मैं कहूँगी हमारे यंगस्टर्स की एक बेसिक नेसेसिटी है कि यार अगर मैंने बिज़नेस करना है तो ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। यस। उसके बाद आपकी केस स्टडी होना ज़रूरी है कि आप जो चीज़ बना के मार्केट में देने लगे हैं
उसके अंदर कंपटीशन कितना ज़्यादा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये दो तीन चार चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं, उसके बाद जो मेन मसला है हमारी यंग जनरेशन का, उन्हें पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, किसी को भी नहीं चाहिए होता। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर कैटेगरी के लोग हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ओबियसली मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके पास अगर थोड़ा पैसा है, स्पेस की कमी है, तो आप फिर भी काम कर सकते हैं। अब जो 90% ऑनलाइन बिजनेस का सेटअप है, वो कम स्पेस से ऑपरेट होता है। उसके अंदर यूजुअली जो लोग हैं वो रीसेलर के तौर पे या सेकंड वेंडर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो बनवाते किसी से हैं और फ्रंट के ऊपर खुद सेल कर रहे होते हैं। लाइक अब 90% ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, तो आप किसी से चीज़ बना रहे होते हैं, मार्केट में जो लोग बना रहे हैं आप उनके पास जाते हैं, उनसे चीज़ लेते हैं, उसे खुद एडवर्टाइज करते हैं, अपने नाम से आप लोग बेचते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करना इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। ऑनलाइन के अंदर जो डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है वो ये होती है कि हमें बस अपना स्टेटस मेंटेन रखना है, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, क्योंकि आपके पास डोर स्टेप नहीं है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं डिजिटल तरीके से। अब आपने उसे कन्विंस कैसे करना है दोबारा आपके पास आए, वो आपकी प्रोडक्ट कन्विंस करेगी उसे। अगर आप उसे अच्छी चीज़ देंगे, वो देर पा होगी, जितनी देर उसके पास रहेगी उसे पता होगा उसने कहाँ से परचेज की है, उस दौरान में जितने इवेंट्स आ रहे हैं या जितनी बर्थडेज आ रही हैं या शादियाँ आ रही हैं, वो फिर आपसे दोबारा कोऑर्डिनेट करेगा जी आप हमें दें। अगर आपकी प्रोडक्ट ने रिस्पॉन्स दिया होगा और आपकी प्रोडक्ट की अगर इतनी रिलायबिलिटी है, तो ऑब्वियसली दे केम बैक कि आपसे हम काम करवाएं और आपका काम बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले वही बात है, ब्रांडिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या ब्रांड प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग किस तरह से कर रहे हैं। आपको देखें, यूजुअली लोग ना दो तीन तरीके से बिजनेस को देखते हैं, या एक किस्म के वो लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो गंदे तरीके से रैप करते हैं और चीज़ें भेज देते हैं। प्रोडक्ट अच्छी है आपकी, ऑनलाइन, या मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, जो चीज़ आपको दिखाई जाती है वो इतनी प्यारी होती है, इतनी फैसिनेट करती है, और जब वो आती है ऐसा दिल टूटता है अक्सर लोगों का। मतलब आई हैव सीन कि इतने आप अक्सर देखते हैं प्रोडक्ट्स, इतने लेविश किस्म के उन्होंने अपने पेज किए हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे वहाँ रिव्यूज़ ऐड किए हैं, और जब आप वो चीज़ मंगवाते हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और आप रोने वाले हो जाते हैं कि यार मैंने इतने पैसे इस प्रोडक्ट के लिए ज़ाया किए। असल में हम लोगों का जो लेवल है बिज़नेस का, चाहे वो सेलर है और चाहे वो बायर है, दोनों के अंदर नॉन सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। लाइक मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पेज को लोग अगर विजिट करें प्रिंटिंग पीके को, 90% वीडियोस हमारी प्रोडक्ट की हमने खुद बनाई हुई है, जिसके अंदर जो चीज़ हम बेचते हैं, जो प्रिंट करते हैं, उसकी ओरिजिनल रिव्यूज़ वीडियो हमने खुद बनाई है। उससे ये होता है कि जो मेरे से परचेज कर रहा है ना, उससे पता होता है कि वो क्या चीज़ मांग रहा है। Exactly. जब उसके पास वही चीज़ जाती है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज करता बिल्कुल। है। अब वो जो बाकी पेजेस हैं वो ये करते हैं, वो अगर चाइना की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो चाइनीज की बनी हुई वीडियो लगाएंगे। Exactly. और उसको जब आप पाकिस्तान में देंगे, हम लोग भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने चाइना से इम्पोर्ट की हैं, उसे सेल कर रहे हैं, उसे कस्टमाइज करते हैं, लेकिन हमने उनकी वीडियो रिव्यू खुद बनाए हैं। यही बात है ना, खुद बना के लोगों को दिखाया कि भाई ये चीज मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के रिव्यूज देखे हैं, और समटाइम्स आप दराज से कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हैं, वो होती बहुत बड़ी है, कोई ऐसी प्रोडक्ट जब आती है तो वो इतनी सी, क्योंकि आई हैव सीन मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोगों ने, अक्सर मेरी फ्रेंड्स ऑनलाइन कोई लोकल ब्रांड से परचेज करती हैं कपड़े, और वो आते हैं तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब यही चीज़ है कि ना हमारा वो जो उन्होंने फैसिनेट हमें इतना करें, लेकिन जब आप चीज़ मंगवा रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, फिर इंसान भरोसा किस पे करे। देखिए, इसके लिए ना सेंस जनरेट करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। आपको जहाँ से परचेज करना है ना, आपको ये देखना है कि ये लिंक कैसा है। जैसे अक्सर ख़वातीन के साथ जो धोखा होता है ना, वो ये होता है वो स्पायर या लाइमलाइट या किसी भी ब्रांड का कपड़ा खरीद रही है, तो वो उस ब्रांड की ओरिजिनल वेबसाइट से नहीं खरीद रही होती। Exactly, वो yes. मतलब देखा किसी ने लगाया है लाइमलाइट का ड्रेस, उन्होंने उसी की वेबसाइट से उठा लिया, अपने किसी भी पेज पर लगाया है, और उसका डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ड्रेस जो है वो आपको भेज देते हैं। yes. आप लोग डिसहार्ड होते हैं। देखें, आपको खरीदना है ऑनलाइन तो आपको भी सेंस जनरेट करनी है। आपको लिंक का पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ ओरिजिनल। यस, शॉर्टकट इज नॉट द वे।
टू रीच सक्सेस. तो हमें थोड़ा सा अपने आप को अगर लेकर चलना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारी आज के डिस्कशन में, क्योंकि हम लोगों के जो यंगस्टर्स हैं बच्चे, वो एफर्ट करना नहीं चाहते लेकिन सिर्फ वो रिजल्ट्स अच्छे चाहते हैं. असल में ना उनका कसूर नहीं है, वो वीडियोस ऐसी देखते हैं कि जी आप ये घर बैठे रातों रात इतने कमा लें, गेम से कमा लें, और हम लोग फैसिनेट करते हैं. हजारों लोग एंकर्स हैं लेकिन कई ऐसे एंकर एक या दो हैं जो बाय चांस बने हैं, जिनकी वीडियो वायरल हो गई, उनको टीवी चैनल उठाया और वो उन्होंने भी अपने आप को कंसिस्टेंट रखा. यस, और स्ट्रगल की वो फिर एंकर बन गए. एग्जैक्टली. अब इसी तरह कोई भी लोग हो, अब किसी भी फील्ड के अंदर हो, लक कभी कभी किसी बंदे का लगता है, हर कोई मेहनत करता है. बिल्कुल. तो आपको जो भी फील्ड है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी. बिल्कुल, यही आज का मेरा ख्याल है, हमारा मैसेज है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की. और मेरा ख्याल है यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में ना सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी यूटिलाइज करनी चाहिए, ताकि हम सक्सेस तक पहुँच सकें. क्योंकि सक्सेस वही रास्ता है, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाना है और तरीका अपना सही रखना है, और हम लोग मेहनत से सक्सेस तक पहुंच जाएंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट. हमें इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.